मंदसौर जिला अस्पताल में सरकारी कर्मचारी बनकर भर्ती मरीजों के परिजनों से खून देने के नाम पर लिए जा रहे पैसे करी पिटाई। मंदसौर जिला अस्पताल में आज नरेंद्र राठौर नामक व्यक्ति को मरीज के परिजन द्वारा पकड़ा गया, क्योंकि नरेंद्र राठौर नामक युवक भर्ती डेंगू के मरीज को खून देने के लिए 1100 रुपये लिए जा रहे थे, जिस पर भर्ती मरीज के परिजनों ने पकड़ लिया और जिला अस्पताल के अंदर जमकर धुलाई की गई एवं जिला अस्पताल में बनी चौकी में उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया गया। उसके बाद कोतवाली पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और युवक को कोतवाली थाने पर लेकर पहुंची है। जिला अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों ने कहा कि यह व्यक्ति कई दिनों से जिला अस्पताल में घूम रहा है और अपने आप को सरकारी कर्मचारी कहता है एवं लोगों से खून के नाम पर 1100 रुपये लेता है। ऐसे लोगों पर प्रशासन को कठोर कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह गिरोह पहली बार मंदसौर के जिला अस्पताल में पकड़ाया है और इस तरह गिरोह जिला अस्पताल परिसर में पूरी तरह घूमते हैं एवं इस तरह लोगों को खून देने के नाम पर उनसे रकम ली जाती है। पर अब देखना यही होगा कि जिला अस्पताल के अधिकारी एवं पुलिस विभाग ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि अब तो पुलिस की गिरफ्त में भी ऐसा युवक आ गया है जो लोगों को जिला अस्पताल में सरकारी कर्मचारी बनकर खून देने के नाम पर ठगी करता है। जिला अस्पताल परिसर में बुधवार को सुबह 11 बजे पकड़ाया गया। सर, इन्होंने बोला कि मेरे को ब्लड, पापा के ब्लड की कमी बताई है, तो ये आदमी मेरे को 1100 रुपये मांग रहा है। मैंने कहा भाई स्टाफ का दे दे, तो मैंने कहा कि उसको देख रहा हूँ मैं, कल से वो गतिविधि में लिप्त था कि इधर उधर लोगों को पास जा जाके ना स्ट्रेचर के हाथ लगाना, इसके हाथ लगाना और ऐसे करके इस आदमी के पास दो वक्त के खाने के पैसे नहीं है, ऐसे व्यक्ति से लिए उसने, मेरे को इसलिए गुस्सा आया। 1000 रुपये लिए ना, ओके और पैसे तो इनके पास जो खर्चा पानी का चाय पानी के पैसे भी ले लिए उसने। कि मैं ब्लड की व्यवस्था करवाता हूँ, मैं यहाँ का कर्मचारी हूँ, यहीं का अस्पताल का ही, और ऊपर भी आके ब्लड वो बॉटल लगा के आ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ब्लड की व्यवस्था करता हूँ। हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करी जाए ताकि बेचारे लोग बहुत परेशान नहीं हुए। उन्होंने स्टाफ को बदनाम किया एक तरह से। नाम क्या आपका? रामदेव नाम मेरा, ऋतुराज कॉलोनी में निवास अपना। तो 1100 रुपये दे दिए मैंने वापस, 1100 रुपये लिए दे दिए मैंने वापस। कितने रुपये लिए? 1100 रुपये लिए। तो ऐसे बोलते हैं मैं ठीक है, मैं बोझता हूँ, बोलता हूँ, करवाता हूँ नहीं और वापस आपको पैसा देता हूँ। ब्लेड के मंगे, ब्लेड ठीक नहीं होगा तो मैं दिलवा नहीं होगा तो आपको वापस पैसे देता हूँ। जिला अस्पताल के स्टाफ है क्या? नहीं सर। तो फिर आप स्टाफ को बोल के क्यों ले रहे हो पैसा? तो गलती हो गया बेचारा, करवाता मंगे, मैं ठीक करवा दूँ, मैं दो दिन पहले पढ़ता। स्टाफ क्यों बोला आपने? नहीं 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 स्टाफ क्यों बोला? तो बेचारा ऐसे नहीं किया, संभाल के आ गया था, कुछ भी नहीं किया, ऐसा दे दिया मैंने। नरेंद्र व्यक्ति है, क्या नाम जरा? नरेंद्र नाम का व्यक्ति है, ये खून के नाम पर किसी से पैसे ले रहा था, जिस गार्ड फ्राड गार्ड पकड़ के ले गया इसको, इसको कोतवाली भिजवा रहा हूँ दोनों पार्टी को। क्या नाम आपका? नासिरुद्दीन। सर मैं यहाँ अंदर हॉस्पिटल में मेरे पापा का डेंगू का इलाज करवाने आया था, तो ये आके और ये पता नहीं कौन है ये इनसे ये आके बोलते हैं कि अब मेरे को क्या ब्लड की ज़रूरत है। तो मैंने कहा ब्लड की तो वो अंदर से कर देंगे, कि ऐसा नहीं होता है हॉस्पिटल में, यहाँ ब्लड पैसों से मिलता है, और ऐसे करके उन्होंने मेरे से 1100 रुपये ले लिए। क्या बोल के लिए कि मैं कर्मचारी हूँ? हाँ मैं कर्मचारी हूँ, मैं ऊपर ही यहाँ काम करता हूँ और मैं करवा दूँगा तुम्हारा ब्लड का। अब क्या करा आपने? अब वो मैंने वो भैया इनके स्टाफ को बोला, मैंने कहा आपके स्टाफ में ऐसे पैसे ले लिए, तो उन्होंने फिर इनको पकड़ा और पुलिस में दिया। क्या वगैरह? हाँ अभी मारा उनको। क्या चाहते हैं ऐसे लोगों के ऊपर? सर अभी कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हो। और क्या नाम क्या आपका? बादल। आपके पिताजी का क्या नाम है? गोवर्धन।